पापड़ी जरूर याद रहेगा आपको, है ना, पापड़ी याद रहेगा ना, गणेश पापड़ी। फ्रूट्स के स्ट्रक्चर आपको हल्का डी शेप में दिखेंगे, जो इसका सीड पॉड्स होगा अंदर बिल्कुल बीन्स जैसा, जैसे आपकी सेम की फली होती है सेम स्ट्रक्चर का। तो टोटली पार्ट्स ऑफ मेडिसिनल, आप डेंटिस्ट, दांत की बहुत ही अच्छी प्यारी सी दवा बनती है। आप लोगों ने नाम सुना होगा पायरिया का, पायरिया जिन लोगों को हुआ है, ये पतली स्टिक आप तोड़ो, उसके बाद जैसे ब्रेकफास्ट में हम कोलगेट क्लोजअप दंत क्रांति करते हैं, सेम उस प्रकार से कंटिन्यू 15 से 20 दिन करिए, हमेशा के लिए ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। और जो सैपलिंग्स आप क्लोरोफिल क्लॉश के दौरान प्रोसेस में आप देखेंगे बिल्कुल डार्क ग्रीन होता है, अभी यह धीरे धीरे पीला पड़ चुका है, क्यों? हाँ, अभी क्या है कि सनलाइट भरपूर मात्रा में इसको नहीं मिल पा रही, नाइट्रोजन लेवल बढ़ रहा, पोटेशियम ज्यादा बढ़ रहा, तो इस कंडीशन में आपकी जो पत्तियां बिल्कुल हरी की बजाय लाल दिख रही होंगी, और कुछ पत्तियां आपको जली जली सी दिख रही होंगी। तो वन टाइप ऑफ इंसेक्ट, एक बटरफ्लाई के प्रकार का इंसेक्ट होता है जिसको हम लिली मॉथ कहते हैं, नाइट बटरफ्लाई कहते हैं, लाइट जलती है बरसात के सीजन में, तो आप देखते हैं छोटे छोटे इंसेक्ट आ जाते हैं, जुगनू बटरफ्लाई नहीं, जुगनू अलग होता है सर, बटरफ्लाई के स्ट्रक्चर का ही होगा, साइज छोटा होगा, उस पर मल्टी कलर स्पॉट्स होंगे। अब जल्दी सर की हम लोग आम भाषा में करें तो हमें ये लगेगा कि ये क्या है, ये पत्ती खराब हो गई है, ये हो रहा है, ये सड़ रही है, पर बेसिकली क्या है, ये समझिए कि ये अंडा है, ये बन रहा है, उसके बाद जब वो खुलती है तो उससे वो तितली बनती है, वास बनता है, तो इसीलिए उसके प्लस इसको जो हम बोलते हैं पापड़ी क्यों बोलते हैं, जब भी आप इसको पत्ती को क्रश करोगे ना तो एक गड़गड़ आवाज आती है, इसीलिए इसको पहचानने के लिए बाकी बोलते हैं। और बाकी जैसे बताया बहुत अच्छा मेडिसिनल प्लांट है, प्लस अगर इस पेड़ के नीचे में आप देखेंगे ना तो हमने यहाँ पे इसको ना चूने से पेंट भी किया हुआ है, तो किसी को पता है हम ऐसा क्यों करते हैं, हर जगह पे आपने देखा, सॉरी अपनी ओनरशिप के लिए, ओनरशिप के लिए मैम ये है कि बोर्ड वोड लगा लिया तो उसके लिए हो जाता है, जनरली ये होता है कि पेड़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए, कई जगह की जमीन जो होती है ना आपकी, वहाँ पर जब ऐसा समय होता है, सर्दियों का समय होता है, या धीरे धीरे जब मट्टी ऐसी होती है कि जहाँ पर पानी रुके नहीं, तो वहाँ पर दीमक बहुत होते हैं, चींटियां बहुत होती हैं, ठीक है, तो वो पेड़ों को नुकसान ना पहुंचा पाए इसके लिए हम ये करते, तो एक लेवल तक हम इसको यहाँ कर देते ताकि नीचे से ही इसका रॉटन होना शुरू ना हो, तो यही पेड़ है, बहुत अच्छा पेड़ है, आगे हम दूसरे पेड़ पे कंटिन्यू करेंगे। फ्लावरिंग का जो सीजन होता है अप्रैल और मई मंथ में होता है, जैसे आप लोगों ने बेसिकली चांदनी का फ्लावर्स देखा होगा तो लोग पहचान जाएंगे, लगभग वैसा ही होता है इसका भी, ठीक है।